क्वेश्चन नंबर 10 12 में 7 सी एक्सरसाइज नंबर 16.5। इसके अंदर एक बैग है जिसके अंदर 10 बॉल रखी हुई है और हर बॉल पर कोई ना कोई एक अंक लिखा हुआ है। तो किसी बॉल पे अगर 0 है तो किसी बॉल पे 1 है, किसी बॉल पे ऊपर 2 लिखा हुआ है, फिर किसी और पर 3 4 है ना, इसी तरह से अगले पर 5, फिर एक और है तो 6, फिर एक और है तो 7, फिर किसी और पर 8, फिर किसी और पर 9। इस तरह से हर बॉल पर कोई ना कोई एक अंक जरूर लिखा हुआ है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि उसमें से बॉल निकालते हैं, ठीक है, निकाल के देख करके वापस उसी बैग में रख देते हैं, विद रिप्लेसमेंट सक्सेसिवली ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। का मतलब क्या होता है कि एक बॉल देखी, अंक को नोट किया और उस बॉल को वापस उसी बैग के अंदर रख दिया, तो इसको क्या कहते हैं, विद रिप्लेसमेंट। अब हमारे पास में देखा कि भी जो अंक आ रहे हैं वो 0 मार्क अंक यहां पर सक्सेस की डेफिनेशन है। सक्सेस को क्या है, ये x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉल जो आ रही है उसके ऊपर 0 लिखा हुआ है अपने, ये हमारे को पहले देखो। अब हमारे को इसमें देखो गेटिंग 0 मार्क बॉल, ये x की डेफिनेशन हो गई। हम कितनी बॉल निकाली ऐसे 4, एक के बाद एक, यानी पहली बॉल निकाली देखा और वापस उसको बैग के अंदर रख दिया, ठीक है ना, यानी विद रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले ये देखो एक बार में 0 आने के चांसेस, यानी ये काम होने के चांसेस, ऐसी बॉल मेरे को मिले जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ है उसके चांसेस कितने हैं, टोटल 10 बॉल है उसमें से एक फेवर की है तो 1/10। क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा माइनस पी, 1 - 1/10 ये हो जाएगा 9/10। अब हमारे पास एन की वैल्यू है 4, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में क्या देखा है 4। अब इसने बोला है कि ऐसी कोई भी बॉल नहीं आनी चाहिए जिसके ऊपर की 0 लिखा हुआ हो, यानी कि आर की वैल्यू इसके अंदर 0, यानी सक्सेस कितना मांगा है इसने 0। अब यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये 0 कौन सा है जो बॉल के ऊपर लिखा हुआ डिजिट है और ये क्या है सक्सेस के चांसेस, ये ध्यान। अब आप फॉर्मूला लिखो सबसे पहले तो x=rncr, p की पावर कितनी होती है r और q की पावर n-r। n ये 4 4 बॉल निकल गई है ना विद रिप्लेसमेंट है, पूरा ध्यान रखें। r हमारे पास कितना है इसके अंदर, p x=0, इन 0 टाइम सक्सेस, यानी कोई बॉल ऐसी नहीं आनी चाहिए जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, तो यहां r की वैल्यू 0 हो जाएगी। P हमारे पास है 1/10, ये हमारे पास आर 0 है, Q हो जाएगा 9/10, N माइनस आर यानी 4-0, तो 4c0 तो 1 हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखें nc0 होने से कितना होता है 1, तो ये हमारे पास 1 हो गया, इसकी पावर 0 है इसकी वैल्यू 1 होगी और ये 9/10 फोर पावर होता है 4, तो इसका आंसर हो गया 9/10 = 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।